जी, हम सभी माता रानी के दर्शन करके भैरव बाबा की चढ़ाई रोपवे से किए हैं और भैरव जी के दर्शन भी हो गए हैं हम सभी के। अब यहाँ से अर्धकुमारी के लिए निकलेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे अर्धकुमारी में। और ये देखिए भैरव घाटी से कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ का अद्भुत नज़ारा। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बादल के वजह से आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। कितना सुंदर नज़ारा है ये देखिए। जय माता दी। सामने भैरव बाबा की मंदिर है। माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी यात्रा सफल मानी जाएगी। जय माता दी। भैरव घाटी से भवन का नज़ारा कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी कोहरा छाया हुआ है। जय माता दी, जय भोलेनाथ। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए अभी दर्शन हो गए भैरव बाबा जी के? हो गए, अच्छे से हुए, बहुत बढ़िया। पिछले आए हैं द्वारा, इधर आए दर्शन किए। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। अब कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी जाएंगे नीचे माता भवन में जाएंगे, उसके बाद नीचे के लिए अर्धकुमारी दर्शन करेंगे। अभी अर्धकुमारी दर्शन के लिए अभी हमारा नंबर है, हो सकता है कि आ जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। जय माता दी, जय माता। हो गया अभी तो जूम होता है, पता दे लोगे? फिर और क्या चाहिए, ऐसे भी होता है। हाँ तो वो सब भी मिला को तो।